जया एकादशी यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पुष्प, जल, अक्षत, रोली और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ से पूजा करें और आरती उतारें, भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी उस प्रसाद को खाएं। जया एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में माल्यवान नामक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में लगा हुआ था, अतः स्वर टूट रहा था, स्वर भंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बहुत बुरी तरह खटकी। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में खोया हुआ है वह और तू पिशाच हो जाए। इंद्र के शाप से वह हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह दिन फल और फूल खाकर उन्होंने व्यतीत किया। दूसरे दिन सुबह होते ही व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई और अति सुंदर देह धारण करके स्वर्लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। विजया एकादशी यह व्रत फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि चढ़ाया जाता है। द्वादशी के दिन अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दिया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इसकी कथा भगवान राम ने लंका पर जो विजय प्राप्त की थी उससे संबंधित है। द्वादशी की कथा। जब भगवान राम वानर दल के साथ सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। पास में एक दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिसने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ राम लक्ष्मण सहित सेना लेकर चले। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुन्द्र से पार होने का उपाय पूछने लगे। मुनि बोले, कल विजय एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करें। समुन्द्र से पार होने का और लंका पर विजय प्राप्त करने का यही एक सरल उपाय है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया, रामेश्वर का पूजन किया। विजय एकादशी के मातम्य को सुनने से हमेशा विजय प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।